एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रक की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, रामकृष्ण नगरी में 50,000 की चोरी। गोंदिया जिले में मिले 127 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। हिंगनघाट स्थानीय रेल मार्ग यार्ड के परिसर में टहलने गए 75 वर्षीय वृद्ध ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार श्याम ताराचंद बोदीले शाम के समय टहलने के लिए निकले थे। इस दौरान वे ट्रक की चपेट में आ गए। उपस्थित लोगों ने तुरंत ताराचंद बोदीले को उपजिला अस्पताल पहुंचाया। स्थिति गंभीर होने के कारण उपचार के बाद बोदीले को सेवाग्राम अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हिंगनघाट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अगली खबर, यवतमाल शहर के राधा कृष्ण नगरी में अज्ञात चोर ने बंद घर का ताला तोड़कर 40,000 रुपए के गहने तथा 10,000 रुपए, इस तरह कुल मिलाकर 50,000 रुपए का माल चुरा लिया। योगेश तुकाराम दवाड़े कुछ काम के लिए घर से बाहर गए थे। इस बीच मौके का लाभ उठाकर चोर ने यह हाथ साफ कर दिया। यह घटना बुधवार की शाम में उजागर हुई। लोहारा थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर, गोंदिया जिले में 3 फरवरी को कोरोना के 127 नए मरीज पाए गए, वही 117 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 45,691 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 43,990 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 939 है। गोंदिया तहसील में एक्टिव मरीजों की संख्या 296, अर्जुनी मोरगांव में 113, आमगांव में 97, सालिकसा में 28, गोरेगांव में 30, तिरोड़ा में 139, सड़क अर्जुनी में 100, देवरी में 119 एक्टिव मरीज है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।